अच्छी खबर आपको बताएं, अंतरिक्ष में आज भारत नई छलांग लगा रहा है। इसरो आज देश का नया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। खास बात ये कि ये छोटा रॉकेट आज जो दो छोटे सैटेलाइट्स ले जा रहा है उनमें से एक बच्चों ने बनाया है। आजादी सेट नाम का ये सैटेलाइट 750 बच्चों ने बनाया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा देगा। SSLV का इस्तेमाल आगे भी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। SSLV की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से की जाएगी। आसमान पर भारत का नया हस्ताक्षर, बच्चों का सैटेलाइट आज अंतरिक्ष में जाएगा। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। इसरो का नया रॉकेट SSLV होगा लॉन्च। इसरो आज देश का नया रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। -30 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोचन SSLV D1 का। मेडन लॉन्च ऑफ SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। तो आज के लिए आपको दिखा दें आज की ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर। आसमान पर भारत का नया हस्ताक्षर SSLV। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, बेहद गदगद कर देने वाला, गौरवान्वित कर देने वाला ये पल। इसरो का नया रॉकेट SSLV लॉन्च हो गया है। इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज देश का नया रॉकेट लॉन्च किया गया SSLV, जिसे कहा जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं। आजादी के 75वें साल में एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की। इसरो ने आज देश का नया रॉकेट लॉन्च किया है सुचारू रूप से काम करते हुए, और ये बेहद खुशी के पल है। ये कई बच्चों की मेहनत रंग लाई है। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। SSLV की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से हुई है, और ये तस्वीरें हम आपको इसी ऐतिहासिक पल की दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से इसकी लॉन्चिंग हुई है। आजादी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है। आसमान पर भारत का इसे नया हस्ताक्षर माना जा रहा है SSLV। और सबसे ज्यादा खास बात यह है, आजादी सेट नाम का ये सैटेलाइट 750 बच्चों ने बनाया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा देगा। सोचिए वो पल जब अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा, हर भारतवासी को गर्व महसूस होगा। हमारे वैज्ञानिकों की और 750 बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है। ऐतिहासिक पल भारत के लिए, एक बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान। P1 tracking. PT tracking. तो आज
लॉन्च हुआ एसएसएलवी में EOSO-2 और आजादी सैट सैटेलाइट्स जा रहे हैं। EOSO-2 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगे हैं जिसका रेजोल्यूशन 6 मीटर है, यानी ये रात में भी निगरानी कर सकता है। इसके अलावा स्पेस किड्स इंडिया नाम की स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सैट भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसे 750 बच्चों ने मिलकर बनाया है। देखिए, ये बच्चे, इन्हीं की मेहनत है जो आज रंग लाई है। बेहद खुशी का पल, गौरवान्वित कर देने वाला पल, ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए। तब देखिए, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है। पूरे देश को इन बच्चों पर नाज है, इन बच्चों की ही मेहनत है जो आज रंग लाई है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजादी सैटेलाइट जब लॉन्च की गई उस वक्त की तस्वीर देखिए, अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान है। 750 बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है। क्यों पड़ी एसएसएलवी की जरूरत, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। छोटे सैटेलाइट्स के लिए एसएसएलवी बेहद जरूरी था। छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग टल जाती थी, इसी कमी को जब महसूस किया गया तो एसएसएलवी का आविष्कार हुआ। बड़े सैटेलाइट्स के साथ भेजना पड़ता था, सैटेलाइट्स की एयरबस भी बनानी पड़ती थी। ये हम आपको बता रहे हैं क्या चुनौतियां और समस्याएं आती थी जिसकी वजह से एसएसएलवी को तैयार किया गया। एसएसएलवी से तुरंत होगी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। छोटे सैटेलाइट्स के लिए एसएसएलवी को बनाना, तैयार करना बेहद जरूरी था। एसएसएलवी का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझे कि क्यों जरूरी था एसएसएलवी। साथ ही अगर आपको एसएसएलवी से जुड़ी और जानकारी दें तो कितना लंबा चौड़ा है नया एसएसएलवी ये भी जान लीजिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो लंबाई है वो 34 मीटर है यानी 112 फीट। इसका व्यास 6.7 फीट है। कुल वजन 120 टन है। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन एसएसएलवी D1 लॉन्च व्हीकल का। एसएसएलवी D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। इस टाइम बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन एसएसएलवी D1 लॉन्च व्हीकल का। एसएसएलवी D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। ट्रैकिंग
प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन एसएसएलवी D1 लॉन्च व्हीकल का। एसएसएलवी D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल तो है। दो तस्वीरें आपके सामने। आजादी के अमृत महोत्सव में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आजादी के रंगों में नए रंग जुड़ गए हैं। एक बेहद खास पल, ऐतिहासिक पल, और आज का दिन पूरे भारत के लिए खास हो गया है। आज इसरो देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजादी सैटेलाइट लॉन्च जब हुआ उस वक्त की ये ऐतिहासिक तस्वीर, ऐतिहासिक पल, और अंतरिक्ष में बच्चों का सैटेलाइट गया है। इन बच्चों की मेहनत रंग लाई है।